आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे एमएस स्वामीनाथन के बारे में, जो कि ना कि इंडिया के बल्कि पूरे वर्ल्ड के बहुत ही लेजेंडरी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रहे और ये चीफ आर्किटेक्ट थे इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो एग्ज़ाम में आ सकता है कि हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आप क्या बताएंगे? एमएस स्वामीनाथन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन का। अब एमएस स्वामीनाथन जी ने कहाँ कहाँ पे इंस्टीट्यूट में काम किया? इंडियाज एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। सेंट्रल राइज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे है? कटक ओडिशा में। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के ये डायरेक्टर जनरल रहे। और इंटरनेशनल राइज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे है? फिलीपाइंस में है, उसको भी इन्होंने हेड किया। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे हैं कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। अब इनको कौन कौन से अवार्डेड से इनको सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। और ये विश्व के पहले ऐसे इंसान थे जिनको वर्ल्ड फूड प्राइस से इनको नवाजा गया। ये विश्व के पहले ऐसे इंसान थे जिनको गोल्डन हर्ट प्रेसिडेंशियल अवार्ड ऑफ फिलिपाइन मिला। ये पहले ऐसे इंसान थे वर्ल्ड के जिनको वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज दिया गया। किसने दिया वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज? इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ने 2018 में। अब जब एमएस स्वामीनाथन को वर्ल्ड फूड प्राइज मिला तो उन्होंने इंडिया में आके एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट का गठन किया। उस ट्रस्ट का क्या नाम है? एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट, जो कि कहाँ पे है? चेन्नई में है। और वो ट्रस्ट किसके लिए काम करती है? वो ट्रस्ट फार्मर्स के लिए काम करती है, उनको हाई यील्डिंग की वैरायटीज़ के सीड्स देना, उनको ऐसी तकनीकें बताना जैसे कि जिसके कारण उनका जो फार्मर का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, उस पे काम करना। और किस फील्ड में इन्होंने काम किया? इन्होंने ये काम किया कि क्यों ना हम मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी को किससे जोड़ दें? एग्रीकल्चर से जोड़ दें। इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन में तो इन्होंने काम किया जिसके कारण हमारा बम्पर प्रोडक्शन हुआ फूड ग्रेन का। कब? जब हमारा देश सूखे से ग्रस्त था, जब हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन 1960 और 64 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तब हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन बहुत कम था। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ही जो हमारा इंडिया का फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो सरप्लस हुआ। और उसके चीफ आर्किटेक्ट, उस कमेटी के जो मेन कर्ता धरता थे, वो कौन थे? एमएस स्वामीनाथन थे। अब इन्होंने एक नेशनल कमीशन ऑन फार्मर के ये चेयरमैन भी रहे। जिस नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर के जब ये चेयरमैन रहे, उस कमीशन की ये रिपोर्ट में इन्होंने ये कहा था कि जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो प्राइस जिससे कि सरकार फार्मर से प्रोक्योर करती है, वो कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 50% मोर देन एवरेज रेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फार्मर, उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये वर्ल्ड के ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने बासमती, हाई यील्डिंग बासमती राइस को इन्वेंट करने में मदद करी। तो अब इसके कारण जो फूड प्रोडक्शन सरप्लस हुआ वो ना कि इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड को इसका फ़ायदा हुआ। इनके पेट प्रोजेक्ट क्या थे जिस पे ये काम करते थे? वो था कि भैया साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अटैच करो एग्रीकल्चर से, क्रॉप का म्यूटेशन करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, बायो फोर्टिफिकेशन करो ताकि जो प्रोडक्शन होगा वो और ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो, प्रिसीजन फार्मिंग करो, स्टेट और सेंटर को ये बताना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट करिए एग्रीकल्चर में, आप ज़्यादा से ज़्यादा फंड दीजिए ताकि वो प्रमोट हो सके एग्रीकल्चर, उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज़्यादा हो सके। उन्होंने ये कहा कि वुमेन को एग्रीकल्चर सेंट्रिक एक्टिविटीज़ में लेके आना है। तो ये पूरा ओवरऑल था एमएस स्वामीनाथन जी के बारे में। और जो मेन पॉइंट है वो मैंने रेड पॉइंट पेन से अंडरलाइन कर दिए हैं, जैसे कि ये चीफ आर्किटेक्ट थे इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के, ये इंस्टीट्यूट कौन सा कहाँ पे है ये पता होना चाहिए, इनको कौन कौन से अवार्डेड से सम्मानित किया गया। कभी कभी क्वेश्चन में अगर ये आ जाए कि वो पहले इंसान कौन थे जिनको वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज़ दिया, पहले इंसान वो कौन थे जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला, तो वो कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। ये एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट कहाँ पे है? चेन्नई में, ये पता होना चाहिए। नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर के चेयरमैन कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। और एमएससीबी का 50% का फंडा किसने दिया था? एमएस स्वामीनाथन जी ने दिया था। और बासमती राइस, हाई यील्ड बासमती राइस को इन्वेंट करने में किसने मदद करी थी? एमएस स्वामीनाथन जी ने।
तो मैं आशा करती हूँ कि ये आपको छोटा सा लेक्चर है, इसमें एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में जो ओवरऑल मैंने बताया है आपको समझ आया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको आंसर करूँगी। थैंक यू।